Hello everyone, welcome back to my channel, and this time I'm here at Prabalgarh Fort and I will cover both Prabalgarh and Kalavantindur. Prabalgarh Fort sea level से 700 meter ऊपर में है और अभी मैं Prabalgarh Fort पे खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप लोगों को वो उधर Kalavantindur दिख रहा होगा। Kalavantindur का हाइट Prabalgarh से थोड़ा सा कम है। Kalavantindur का हाइट 686 मीटर ऊपर है सी लेवल से। और इस वीडियो में मैं पूरा Prabalgarh और Kalavantindur दोनों का ट्रैक आपको दिखाती हूँ। Now we have reached Thakurwadi। यहाँ से आगे हम कार या फिर बाइक कुछ भी लेके नहीं जा सकते, सो बेसिकली हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा। सो हमने हमारा जो बाइक है यहाँ पे पार्क कर दिया है और यहाँ से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैक प्रबल माची के लिए, जो कि Prabalgarh और Kalavantindur का बेस विलेज है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 hours लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। ट्रैक स्टार्ट करते हुए अब तो 15-20 मिनट हो चुका है, अभी भी और बहुत दूर जाना बाकी है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कहाँ तक जाना है। वो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा सा, यस वहाँ तक हमको भी जाना है। सो लेट्स कंटिन्यू। हमको रास्ते में ये मौसी मिली जो कि प्रबलवंशी की नहीं है, लेकिन वो हर मंगलवार को यहाँ पे फिश बेचने के लिए 2 घंटा ट्रैक करके आती है। आधे घंटे के ट्रैक के बाद हमने 10-15 मिनट का भी ब्रेक लिया। आई डोंट नो व्हाई आज हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं हम लोग, बट आज हम नाइट स्टे करने वाले हैं। सो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है कि जल्दी वापस आना है, अंधेरा हो जाएगा वगैरह वगैरह। सो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पूरे ट्रैक में ही हमने ऑब्जर्व किया है कि रास्ते के साइड साइड में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में ही ऐसे छोटे छोटे स्टॉल है और वहाँ पे बैठने का भी जगह है। आज वीकेंड नहीं है सो वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ नहीं है। वीकेंड पे ज़्यादा लोग होते सो तब मे बी वहाँ पे स्टॉल बैठते होंगे। अभी हम लोग काफी ऊपर तक आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं और हमारे चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप कांट बिलीव इतने ऊपर आए हैं हम लोग। हम लोग अभी प्रबल मासी पहुंच चुके हैं जो कि Kalavantindur और Prabalgarh के लिए बेस विलेज है। आपको मेरे पीछे ये Kalavantindur और Prabalgarh दोनों दिख रहे होंगे। yeah, we did it। ये वाला Kalavantindur दुर्ग है और ये वाला Prabalgarh है। कल हम सुबह ये दोनों के लिए फोर्थ ट्रैक स्टार्ट करेंगे। कैंप साइट प्रबल माची जो कि बेस विलेज है वहीं पे हमारा कैंप साइट है। ये मेरे पीछे कैंप साइट है। कैंप साइट का लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा का पूरा पहाड़ी है और यहाँ पे सनसेट हो रहा है अभी, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है
है कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़, जहाँ हम कल जाने वाले हैं ट्रैक करने के लिए। और ये हमारा कैंप साइट। गुड मॉर्निंग, हम सो के उठ गए हैं। अभी 7:15 हुआ है, अभी तक सनराइज यहाँ पे हुआ नहीं है, लेकिन हमें 2 फोर्ट का ट्रैक करना है। सो हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है ट्रैक। पहले हम लोग कलावंती दूर करेंगे, उसके बाद प्रबलगढ़ करेंगे। अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, सो आई होप अगर हम जल्दी क्लाइम कर सकते हैं तो कलावंती दूर से हमको सनराइज देखने को मिलेगा। सो जल्दी करते हैं ट्रैक। कलावंती दुर्ग जाते वक्त ऑन द वे एक टनल मिलता है, वो कलावंती दुर्ग का ही है। उसके जरिए कलावंती दुर्ग के आर पार जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्रॉस करने के लिए रोप वगैरह की जरूरत पड़ती है और रास्ता भी पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को वो टनल बाहर से ही दिखा देती हूँ। कलावंती दुर्ग अपनी यूनिक रॉकर स्टेयर्स के लिए फेमस है। यह महाराष्ट्र के एक पॉपुलर ट्रैकिंग पॉइंट है। ऑल्दो इसको कलावंती दुर्ग यानी फोर्ट बोला जाता है, ये एक्चुअल में फोर्ट नहीं था, ये एक वॉच टावर था। और क्वीन कलावंती के नाम से ये दुर्ग का नाम कलावंती दुर्ग हुआ। कलावंती दुर्ग के टॉप मोस्ट पॉइंट से प्रबलगढ़ फोर्ट, पैब, माथेरान, पनवेल, मुंबई ये सब देखने को मिलता है। वी आर डन विद आवर कलावंती ट्रैक। अभी हम लोग प्रबलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। प्रबलगढ़ और कलावंती का दोनों रास्ता बेस विलेज से ही सेपरेट होते हैं, तो हमको वापस फिर से बेस विलेज आना पड़ा, फिर वहां से हम अलग रूट से फिर प्रबलगढ़ के लिए ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रबलगढ़ फोर्ट के मीट वे पे पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता बाकी है। आपको मेरे पीछे वो पहाड़ दिख रहा होगा, हमको अभी वहां तक जाना है। फाइनली हम लोग प्रबलगढ़ फोर्ट के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली 1 घंटा टाइम लगा हमको इधर तक ट्रैक करके आने में। अभी ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। प्रबलगढ़ फोर्ट में काफ़ी कुछ बचा नहीं है, ये रुइन फोर्ट है, ऊपर में स्ट्रक्चर है ही नहीं। मोस्टली ये फॉरेस्ट के अंडर में आता है, तो ऊपर पूरा घना जंगल ही है। लेकिन यहाँ से कलावंती दुर्ग दिखता है, वहाँ का स्टेयर्स, रॉकर स्टेयर्स बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फिर अभी हम लोग पहले वहाँ देखने जा रहे हैं और बाकी जो क्वार्टर्स के 1-2 रुइन स्ट्रक्चर बचे हैं वो अगर हो सकता है तो फिर हम लोग देखने जाएंगे। और यहाँ से अभी जब ये पहाड़ी दिख रही है, इतनी बड़े बड़े पहाड़, हम
वहीं पे चढ़ के अभी आ रहे हैं, तो देख के ही अच्छा लग रहा है, ऑल्दो हम बहुत ज्यादा टायर्ड है। और ये था हमारा कलावंटीन और प्रबलगढ़ का ट्रेक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।